अस्सलाम वालेकुम माय व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे खमन, जो बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी लगता है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। 1/4 कप चीनी लेंगे, आप किसी भी चीनी भी ले सकते हैं। इसमें डालेंगे हम 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून नींबू का फूल, इसे नींबू सद भी कहते हैं। 1 कप पानी लिया है और अब हम इसे डालेंगे, और थोड़ा पानी हम इसमें से बचा लेंगे। और उसमें डालेंगे हम 2 टीस्पून काला नमक, आप सादा नमक ना डालें, काला नमक ही डालें इसमें। और इसमें इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और काले नमक का पानी हम इसमें डाल देंगे। आप कभी भी काले नमक को यूज़ करें तो पानी में पिघाल कर ही यूज़ करें, ताकि उसमें के कंकर और पत्थर सारे निकल जाए। हमें इसे मिक्स करना है और चीनी को अच्छे से पिघाल लेना है। ये चीनी पिघल चुकी है, अब हम इसमें डालेंगे बेसन। हमने 2 कप बेसन लिया है और उसे 2 बार अच्छे से छान लिया है। बेसन को छान के ही डालें, बिना छाने से बिल्कुल ना डालें। और अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। बेसन को एक साथ में पूरा नहीं डालना है, 2 बार करके ही डालना है। तो देखिए हमने डाल दिया है और अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। और देखिए बहुत गाढ़ा है, तो अब हम इसमें और 1/4 कप पानी डालेंगे। टोटल हमने 1 कप और 1/4 कप पानी का यूज़ किया है। इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए ये मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून भर के ऑयल, और इसे भी हमें अच्छे से मिक्स करना है। हमने ऑयल को भी मिक्स कर दिया है और आप देख सकते हैं हमें इतना लिक्विड ही चाहिए। हमें ज़्यादा थिक और पतला बिल्कुल भी नहीं चाहिए, हमें इसी तरह का चाहिए बेटर। हमें आधा कल्ला के लिए इसे साइड पर रख देना है। आप चाहे तो इसे रात में भी बना के रख सकते हैं, और ध्यान रखें इसे फ्रिज में नहीं रखना है, हमें बाहर ही रखना है। आधा कल्ला हो चुका है, अब हमें इसे बेटर को मिक्स करना है। तो देखिए कितना फ्लफी सा हो गया ये। इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा, और इसमें डालेंगे 1 टीस्पून पानी, ताकि रिएक्ट अच्छे से हो। और अब हमें इसे मिक्स करना है, हमें हल्के हल्के हाथों से मिक्स करना है इसे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो देखिए हमने सब मिक्स कर लिया है। हम लेंगे थोड़ा सा ऑयल और इसे अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। अगर आप प्लेट में बनाना चाहती है तो प्लेट का भी यूज़ कर सकती है, केक टिन में बनाना चाहती है तो आप उस केक टिन का भी यूज़ कर सकती है। और बेटर को हम डाल लेंगे इसमें, पूरा अच्छे से डाल देंगे, और टेप बिल्कुल भी नहीं करना है। हमें इसी तरह से बेटर को डालकर और स्टीम होने के लिए रख देना है। देखिए हमने डाल दिया है और अब हम इसे रखेंगे स्टीम के लिए। हमें पहले से पानी को गर्म कर लेना है। हमने यहाँ लिया है इडली स्टैंड, आप कढ़ाही या भगोना भी ले सकती है। अब हम इसे ढक देंगे 15 मिनट के लिए। 15 मिनट से पहले हमें इसे बिल्कुल भी खोलना नहीं है। तो देखिए 15 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसे खोलेंगे और एक टूथपिक डाल के भी चेक करेंगे। तो देखिए टूथपिक बिल्कुल क्लीन है, तो ये ढोकला हमारा पक चुका है। और अब इसे साइड पर रखेंगे, जब लगभग हम तड़का बना लेते हैं। ऑयल को पहले गर्म होने देंगे, उसके बाद हम डालेंगे 1 चम्मच राई, थोड़ी सी हरी मिर्ची, कड़ी पत्ता और आधा चम्मच जीरा, उसको भी हम डाल देंगे। और थोड़ी देर मिक्स करके गैस को बंद कर लेंगे। तड़का हो चुका है तैयार, खमन भी नॉर्मल टेम्परेचर पे आ चुका है। अब हम इसे निकाल लेंगे, पलट लेंगे हम इसे। तो देखिए कितना जालीदार बना है। तो अब हम इसकी करेंगे कटिंग। मैं काट रही हूँ उस पे से, आपको अंदाज़ा लग रहा होगा कि कितना सॉफ्ट बना है ये। आप अपने हिसाब से पीस छोटे या बड़े कर सकते हैं।
ये पूरा कटिंग हो चुका है। अब हम इस पर डालेंगे तड़का, तो अच्छी तरह से हम पूरे तड़के को डाल देंगे। तो देखिए मैं काट के आपको बताती हूँ कितना जालीदार और सॉफ्ट बना है। एक बार ज़रूर इसे ट्राई करें। और इसके ऊपर डालेंगे थोड़ी सी कोतमीर, आप इसके ऊपर बारीक सेव डाल के भी सर्व कर सकते हैं।